प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील हम सबकी चहेती दबंग नाजिया खान जी। तो ये वीडियो जितनी इंटरेस्टिंग होगी उतनी ही दमदार होगी, तो इसे अंत तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। यूसीसी क्या है? आर्टिकल 44 है, और जो संविधान में लिखा हुआ है 1949 से लिखा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंट के बाहर तक अवेसी और कांग्रेस करता है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें भी मुसलमान बेटी और हिंदू बेटियों का सबसे ज्यादा फायदा है। अब देखिए सेना के खिलाफ पेंशन योजना निकाली गई थी, जो सेना को मतलब कर्नल रह चुके हैं, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, जो मेजर रह चुके हैं, अगर वो किसी वजह से छोड़ चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, तो उनको एयरपोर्ट पर या पब्लिक गैदरिंग में वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, वो भी उनको मिलने लगा। उसके भी खिलाफ, सेना के खिलाफ भी कांग्रेस की सरकार ने मोर्चा खोल दिया था। भगवान राम के खिलाफ तो कांग्रेस की सरकार ऐसी थी कि वो ये लोग भगवान राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे, और सोनिया गांधी जी ने एक बड़ी और महंगी लीगल टीम बनाई थी कि भगवान राम के खिलाफ सर्वोच्च न्यायपालिका में केस लड़ो। मुसलमान रोहिंग्या बांग्लादेशी पाकिस्तानी अफगानी घुसपैठिया मुसलमान घुसपैठियों को जब निकालने की बात आती है तो सबसे ज्यादा कांग्रेस और अवेसी एक्टिव हो जाता है कि नहीं मुसलमान घुसपैठिया मत निकालो, हमारे भारत में रहने दो, ऐसे ऐसे आतंकियों को हमारे भारत में रहने दो। तो ये जितना ये जो मिसालें हैं ये हमेशा से एकदम इंदिरा गांधी जी के जमाने से लेकर के मनमोहन मोनवरत की सरकार तक महिलाओं के विरोध में महिलाओं के खिलाफ कांग्रेस की सरकार हमेशा खड़ी हुई है। और मगर चल गई राहुल बाबा के मुंह से, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन नाजिया मैंने तो जो देखा है वो ये कि जो फीमेल्स हैं उनको कांग्रेस पार्टी आगे लाई है, जैसे इस वक्त भी सोनिया गांधी जो हैं वो कांग्रेस को लीड कर रही हैं, उससे पहले इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं। तो अब अचानक ऐसा क्या हुआ है कि एकदम से जो है वो फीमेल्स को वो आगे नहीं आने दे रहे, जबकि पहले हम ये देखते रहे हिस्ट्री में, ये चेंजेस क्यों है? जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, इसलिए वो आई थी और भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, और इंदिरा गांधी जी की बहू थी सोनिया गांधी, पर इन्होंने किसी वजह से मौनवरत को मनमोहन जी को अपना प्रधानमंत्री बनाया था, पर वो सिर्फ डमी प्रधानमंत्री थे, मेन प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ही थी। वो सारी पिछली जितनी भी मीटिंग से उसको उठा करके देखिए, इसके अलावा कोई और औरत का नाम दीजिए जिसको प्रमोट किया है कांग्रेस ने, एक भी औरत का नाम बताइए। मैं बता दूंगी निर्मला सीतारमन जी, मैं बताऊंगी स्मृति ईरानी जी, मैं बताऊंगी सुषमा स्वराज जी, मैं तो पूरा लाइन दे दूंगी, इतनी लंबी चौड़ी लाइन दूंगी महिलाओं की आप कांग्रेस में। अच्छा चलिए तीन बता दीजिए, गांधी परिवार को छोड़ करके तीन बता दीजिए। नहीं मुझे गांधी परिवार को छोड़ के तीन नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये जरूर है कि महिलाओं को वो लोग मतलब प्रमोट करते थे, नहीं परिवारवाद की राजनीति करते थे, परिवारवाद की राजनीति करते थे। अब नेहरू की बेटी थी इंदिरा, इसलिए वो प्रधानमंत्री बननी ही थी, और सोनिया क्योंकि इंदिरा गांधी की बहू थी इसलिए वो प्रधानमंत्री बननी ही थी। लेकिन इसके अलावा आप प्रियंका वाड्रा है, अब लोग स्मार्ट हो चुके हैं, नहीं तो वो भी प्रधानमंत्री बनती। एक चीज और मैं समझना चाहूंगी नाजिया, वैसे हो सकता है लोग इससे बड़े नाराज हो जाएं मुझसे, लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि लोग बात करते हैं ना भारत से, तो मुझे समटाइम ये होता है मैं उनकी सुनती हूँ तो समझने के लिए। अवैसी साहब जो है असदुद्दीन अवैसी साहब जो है, उनके लिए भी ये कहा जाता है कि वो जो लेके निकलते हैं ना इलेक्शंस के टाइम पे, इलेक्शन से पहले जो वो निकलते हैं तो वो वोट को तोड़ देते हैं, वो मुस्लिम्स वोट को तोड़ देते हैं, वो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, जैसे ना वो मुस्लिम वोट्स तोड़ते हैं, उससे भी बीजेपी को फायदा होता है, वो ऐसे के जो ज्यादा हिंदू वोट जो है उनकी तरफ हो जाते हैं, और अवैसी साहब जो है वो मुस्लिम वोट्स का क्योंकि बार बार कहते हैं तो मुस्लिम्स जो है वो टूट के वो ना कांग्रेस में जाते हैं और ना कहीं और जाते हैं। क्या इस तरह की भी कोई पॉलिटिक्स चलती है भारत में? देखिए अवैसी एक बिन पहने का लोटा है, अवैसी एक चवन्नी छाप नेता है, एक हैदराबाद का नेता है जो अपने हैदराबाद को भी वो सही से डेवलप और इम्प्रूव नहीं कर पाया। हैदराबाद की बच्चियां हजार में रो रही हैं,
हैदराबाद की बच्चियां जो है वो सिसक रही हैं कि उनको अब अवेसी जैसा नेता नहीं चाहिए। अगर अवेसी से वाकई में भारतीय जनता पार्टी को फायदा बहुत हो रहा होता, वोट तोड़ो बैंक की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को अवेसी के अस्तित्व से कोई भी फायदा हो रहा होता, तो क्या अवेसी के ऑपोजिट में इतनी धाकड़ औरत उसी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी खड़ा करता? कभी नहीं खड़ा करता। और हम जाएंगे कंपेनिंग के लिए, मैं तो खुद पर्सनली, मुझे इन्विटेशन मिला है कि मैं वहां जाऊंगी और अवेसी के मुसलमान वोटों के का वोट बैंक मैं काटूंगी वहां जा करके। तो अवेसी हमारे लिए नहीं है, अवेसी का काम है सिर्फ और सिर्फ चिंगारी लगाना और टीआरपी कमा करके न्यूज चैनल में बने रहना। अवेसी कोई देश का नेता नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा जो है वो 411 पार है और अवेसी एक क्षेत्र का मामूली सा नेता है। वो कभी मुसलमानों को हैया अलल सला हैया अलल फला याद दिलाता है, कभी मुसलमानों को फातिया याद दिलाता है, कभी मुसलमानों को करबला याद दिलाता है, कभी हिजाब याद दिलाता है, दैट्स इट। इसके अलावा उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं, उसका कोई कंटेंट ही नहीं है। एक देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अवेसी के 54 वोटों से तो कोई मतलब ही नहीं है। और अवेसी के इर्द गिर्द वही लोग अवेसी को सुनते हैं जो जाहिल आजम होते हैं या ठरके आजम होते हैं, क्योंकि अवेसी के मंच पर ना ही कोई हिजाब वाली, चलो हिजाब वाली ही महिला बैठा लो तुम। देखिए हमारे कुरान के हिसाब से तो बीबी खतीजा को भी तो हम फॉलो कर सकते हैं ना, आयशा को भी तो हम फॉलो कर सकते हैं ना, बीबी मरियम को भी तो हम फॉलो कर सकते हैं ना। तो अल कुरान में अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहे हैं तो अवेसी को भी तो के ऊपर भी तो जिम्मेदारी है कि वो भी बीबी खतीजा को फॉलो करे। तो चलो अपने मंच पर हिजाब वाली ही एक औरत बैठा लो, पर वो औरतों से नफरत करता है, वो औरतों से घिन करता है। और भारतीय जनता पार्टी औरतों को सर मत्थे बिठाती है, शिव शक्ति का नाम देती है, देवी का नाम देती है, माता का नाम देती है। तो अवेसी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अवेसी एक बिन पहनने का लोटा है और कभी इधर डोलता है कभी उधर डोलता है और पता नहीं किसका फायदा करता है और किसका नुकसान करता है। पर हाँ, अपनी इस बंदर छाप तरीके से, अपने इस जाहिलाना तरीके से और अपने इस आतंकी भाषण से, टेररिज्म वाली भाषण से वो टीवी चैनल्स पर जरूर बना रहता है, बस उसका यही फायदा है। मगर क्या मुस्लिम वोट जो है वो कोई मैटर करते हैं बीजेपी को इस वक्त जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं? आपको लगता है मुस्लिम वोट्स मिलेंगे और उससे कोई फर्क पड़ता है? देखिए भारत में 82.7% सनातनी वोटर्स हैं, ठीक है। अब आती है बात के मुसलमान खुद को यहाँ पर कहता है कि वो 18 करोड़ से ऊपर की आबादी है, पर 18 करोड़ तो सारे के सारे सुन्नी मुसलमान नहीं है ना, दारुल उलूम और देवबंद मानने वाले तो नहीं है ना, उसमें बोरा मुसलमान है, उसमें शिया मुसलमान है, उसमें अहमदी मुसलमान है, उसमें बरेलवी मुसलमान है, उसमें फिर एक आता है मुगलई मुसलमान। तो ये जितने भी हैं सुन्नी को छोड़ करके बाकी जितने भी मुसलमान हैं वो बीजेपी को बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। बोरी मुसलमान तो सर मत्थे बैठाते हैं, शिया मुसलमान सर मत्थे बैठाते हैं मोदी जी को। तो देखिए जो लोग अपने आप को रिफॉर्म करना चाहते हैं, जो मुसलमान का फिरका अपने आप को रिफॉर्म करना चाहता है और भारत की तरक्की में अपनी तरक्की को ढूंढ रहा है, भारत के सक्सेस में अपने सक्सेस को ढूंढ रहा है, वो मुसलमान मोदी जी के साथ है। हमें देवबंद दारुल उलूम सुन्नी मुसलमानों का के बारे में बिल्कुल कहूंगी कि वो वोट नहीं करेंगे बीजेपी को, मैं कह रही हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि वो वोट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको रेप करना है, उनको 4 बीवियां रखनी है, उनको हलाला करवाना है, उनको निकाह मुत्ता करवाना है, उनको छोटी छोटी बच्चियों का सलवार झांकना है, उनको उनको गला रेतना है, तो ये सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज उनको करनी है, इसलिए वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे और बीजेपी क्रिमिनल एक्टिविटीज करने नहीं देगी। आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि कुरान कहता है, कुरान अल कुरान हमारा कहता है 800 बार शिक्षा, कुरान का पहला वर्ड इकरा। तो हमारे मोदी जी बेचारे अब वो भी बोलने लगे हैं कि कुरान में इकरा है तो पढ़ लो ना भैया, पढ़ते क्यों नहीं हो, पर इन्होंने तो 4 बीवियां बिस्तर पर रखनी है। तो सुन्नी मुसलमान वोट नहीं करेगा, बाकी जो कोई भी रिफॉर्म होना चाहता है, जो मुसलमान सक्सेस होना चाहता है, जो मुसलमान भारत की तरक्की में के साथ साथ चलना चाहता है, वो बिल्कुल मोदी जी के साथ है। लेकिन खैर ये जो था मुद्दा और ये सब चीजें तो हर उसमें है, तो शिया जो है उनमें ज्यादा होता है, सुन्नी तो खैर करते भी हमारे यहाँ तो सुन्नी भी पकड़ के बैठे हैं। अच्छा हमारे यहाँ नहीं होता, खैर अब तो मैंने कहीं भी नहीं देखा, अब तो मैंने खैर यहाँ कहीं भी नहीं देखा। अरे आप ये, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ
ये लोकसभा इलेक्शन खत्म हो आप जरूर भारत आए, आप जरूर भारत आए, मैं आपको हैदराबाद और केरला लेकर के जाऊंगी, मैं अपने साथ लेकर के जाऊंगी, मैं लाइव पर बोल रही हूँ आपको कि मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी और आपको मैं आंखों देखी निकाह मसियार और मुत्ता दिखा दूंगी चार मीनार के पास, आंखों देखी दिखा दूंगी। यार बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए और ये क्योंकि कुछ सुन के मुझे अजीब सा लगता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया नाजिया क्या जा पाई, आपसे बात करके हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काजमी जी और नाजिया लाइक खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां भारत की बेटी नाजिया खान जी ने ना सिर्फ विपक्ष को बल्कि खासकर कांग्रेस से लेकर राहुल गांधी जी को पूरी तरह से दबोच लिया, खासकर नारी शक्ति के मामले में, जहां पे राहुल गांधी जी ने यह कहा कि वो नारी शक्ति के खिलाफ लड़ेंगे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।